अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी रामचरितमानस की मांग बहुत बढ़ गई है। यही वजह है कि 50 साल में पहली बार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता प्रेस को अपने स्टॉक में रामचरितमानस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जब से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई है तब से रामचरितमानस की मांग बढ़ गई है और रामचरितमानस के साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा भी मांग बढ़ी है। रामचरितमानस जो हम पिछले वर्षों में लगभग एवरेज में 75,000 महीने की हम दे रहे थे, इस वर्ष हम भी देख रहे थे हम लगभग 1,00,000 के आसपास आपूर्ति किए हैं। गीता प्रेस के अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी रामचरितमानस की मांग जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये मांग बढ़ती ही जा रही है और लग रहा है कि 22 जनवरी के बाद जब भीड़ चलेगी वहां तो इसमें मांग और बढ़ जाएगी क्योंकि फिर उस समय लोग सोचते हैं कि हम आए हैं दर्शन करने के लिए तो एक रामचरितमानस कम से कम घर में प्रसाद के रूप में लेके चले चलें। अब जितना स्थान है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। गीता प्रेस पहले ही 10,000 अयोध्या दर्शन पुस्तकें रामनगरी भेज चुका है। इन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को बांटा जाएगा।